मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से खरगोन जिले में भी नर्मदा नदी उफान पर है। खरगोन जिले के बड़वा स्थित मोटक्का पुल पर नर्मदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने से जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरता जा रहा है, जिससे इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर नर्मदा नदी पर बने मोटक्का ब्रिज पर आवागमन बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी है। पुल बंद किए जाने के बाद वाहनों के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। जिला और पुलिस प्रशासन की टीम फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं नर्मदा नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण महेश्वर में भी अहिल्या घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। महेश्वर में नर्मदा नदी के लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए अहिल्या घाट स्थित सभी दुकानों को हटा लिया गया है। खतरे को देखते हुए महेश्वर में नाव संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। हालात यहां तक बन गए कि करीब 6 साल बाद विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट स्थित अष्टपहलू की सीढ़ियां भी जलमग्न हो गई। वहीं जिला प्रशासन द्वारा पूरे नर्मदा पट्टी इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर गोताखोरों और होमगार्ड की टीमें तैनात की है। महेश्वर से विशाल अम्बेकर की रिपोर्ट। देखिए क्या है कि जो ये हाईवे है और जो नर्मदा जी का पुल है बड़वा के पास, उसका जो खतरे का निशान 163 के ऊपर ही हो जाता है। पानी रात में ही 164 के ऊपर पहुंच गया था। 165 पे पूरी तरह यातायात बंद किया जाता है। एहतियातन कल रात से दोनों तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इंदौर की तरफ से डाइवर्ट हुआ है, झारखंडवा की तरफ से डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि उस पुल पे ट्रैफिक हाई जो उसके हैं उनको नहीं चलाया जा सकता। जो छोटे वाहन हैं उनके लिए बगल में एक नहर है, उसके ऊपर से निकाला जा रहा है। जो छोटे लाइट व्हीकल हैं वो उससे निकल जा रहे हैं। हैवी व्हीकल जितने हैं वो सबके सब रोक दिए गए हैं। नर्मदा घाटों की सर अगर बात की जाए तो किस प्रकार की सर सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि सभी जो घाट हैं इधर बड़वा, फिर मंडलेश्वर, महेश्वर, सभी जगह क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और लोग ऐसे में घूमने भी जाते हैं और सेल्फी भी लेते हैं, तो सब जगह पुलिस चौकस है। दूसरे जो हमारे लोग हैं वो भी लगाए गए हैं कि कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो जिससे कोई कैजुअलिटी हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।